सत्ता हो ना हो, लेकिन बाबा साहब के सच्चे सिपाही होना बहुत जरूरी है। हैदरपुर गांव में यहां पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का काम किया गया, और मैं बधाई दूंगा क्षेत्र के सभी नौजवान साथियों को, उन सभी अम्बेडकरवादियों को जिन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः लगवाने का काम किया। और हमारे जो साथी यहाँ पर खड़े हैं, उनकी एक ट्रस्ट है, एक समिति है, जो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को लेकर के आसपास के क्षेत्रों में, गांवों में कार्यक्रम करती है, और समिति का नाम है भीमराव नाव जागृत समिति, जो ट्रस्ट फाउंडेशन है, जो दिल्ली फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। तो मैं आप सभी से अपील करूँगा कि जैसे युवा सदल की टीम यहाँ पहुँची है, मैं माफ़ी चाहूँगा बहुत लेट हूँ, लेकिन जिस तरीके से मेरे नौजवान साथियों ने काम किया है, पूरे भारत में ऐसी काम करने की जरूरत है। और मैं बार बार अपील कर रहा हूं उन लोगों से, जो लोग कहते हैं कि सरकार होगी तभी हम काम कर पाएंगे, जिस प्रकार से जब देश आज़ाद हुआ हमारी कोई सरकार नहीं थी, जब संविधान लिखा जा रहा था तो बाबा साहब लिख रहे थे लेकिन सरकार नहीं थी, उसके बाद बहुत सारी पार्टियां बनी, मूवमेंट चलता रहा, लेकिन सत्ता हो ना हो लेकिन बाबा साहब के सच्चे सिपाही होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हर एक मकान को बनाने के लिए पिलर की जरूरत पड़ती है, हर पार्टी में हमारे समाज के लोग हैं वो एक पिलर का काम कर रहे हैं, चाहे दिल्ली में केजरीवाल सरकार हो, आप पार्टी हो, लेकिन यहाँ भी हमारे 12 विधायक हैं जो ऐसी समाज से चुनकर आते हैं। तो हम लोगों को किसी भी संगठन में हो, किसी भी पार्टी में हो, हमें जरूरत है अपने समाज को इकट्ठा हुए, अपने समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। जब जब हमारे समाज का शोषण होता है, जब जब हमारे महापुरुषों की प्रतिमा को खंडित किया जाता है, तो हम लोग एक आज देखते हैं साथ हमारी सरकार होगी, लेकिन आज इस गांव के नौजवान साथियों ने करके दिखाया है, जो बाबा साहब कहते थे कि भले ही हम सत्ता में हो ना हो लेकिन आरक्षण के हिसाब से हम लोग कहीं ना कहीं ताकत में नजर आएंगे। जैसे 131 आपके MP हैं और UP सरकार में 12 आपके रिजर्व विधायक हैं, तो बस हमें जरूरत है तो अपनी बात मनवाने की, इकट्ठा होने की, संघर्ष करने की। और ये देखिए आज बाबा साहब की प्रतिमा आपके बीच में लगी हुई है, और तमाम मैं नौजवान साथियों को बधाई देता हूँ और आग्रह करता हूँ पूरे देश में, पूरी दुनिया में, कहीं भी अगर ऐसी कोई जुलम जाती हो, चाहे रंग को लेकर के हो, जात को, मजहब के हो, या नारी शक्ति का शोषण हो, हम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। मैं पुनः एक बार फिर हैदरपुर के गाँव वाले वासियों को पुनः एक बार बधाई देता हूँ और अपील करता हूँ कि युवा संघ दल के उनके जहाँ जरूरत लगे वो हमसे अपना सहयोग मांगे, और तन मन धन और गन के साथ अपने सामा के साथ हम यहाँ भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जय भीम, नव बुद्ध।